आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायरिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन सी होती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सी टाइप्स होती हैं। तो चलो दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये देखिए दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। सबसे पहली हमारी टाइप्स है क्लीट वायरिंग, और सेकेंड वुड केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। थर्ड है हमारी CTS और TRS वायरिंग। फोर्थ है मेटल शीटेड और लेड शीटेड वायरिंग। और आखिरी हमारी फिफ्थ वायरिंग है कंड्यूट वायरिंग। तो चलो दोस्तों हम क्लीट वायरिंग से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है और इसकी फ़ोटोज़ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्लीट वायरिंग कुछ ऐसी सी होती है, और मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये उसकी ग्रूव्स हैं क्लीट वायरिंग के। चलो हम आगे देखते हैं। क्लीट वायरिंग इज़ नॉर्मली यूज फॉर टेम्प्रेरी वायरिंग पर्पज। दोस्तों ये वायरिंग टेम्प्रेरी वायरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, मतलब टेम्प्रेरी काम के लिए यूज़ होती है। एग्जांपल फंक्शंस, मैरिज एक्सेट्रा, मतलब कोई शादीशुदी में या कोई फंक्शन है किसी की, केक सेरेमनी, केक कटिंग है या सेरेमनी, कुछ भी अलग अलग फंक्शंस में यूज़ होती है। अगला हम पॉइंट देखते हैं इसका। इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग वल्कनाइज्ड इंडिया रबर VIR और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इंसुलेटेड वायर आर यूज्ड एज कंडक्टर। दोस्तों इस तरह की वायरिंग हमारी कंडक्टर में भी यूज़ होती हैं, जो VIR और PVC वायरिंग होती है कंडक्टर में यूज़ होती हैं। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, वायर एंड हेल्ड बाय द हेल्प ऑफ पोर्सलिन क्लीट विच आर प्लेस्ड 6 mm ऑफ द वॉल्स और सेलिंग। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो वायर्स हमें हमारी वायर जो प्लेस्ड होती हैं हमारी, वो 6 mm के गैप के बीच में वॉल्स और सेलिंग के बीच में डाली जाती हैं, उनके बीच में रहती हैं। तो चलो दोस्तों आपको मैंने जितना बताया मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।